हम शरीफ क्या हुए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है, जो नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने मेरा के पिछला वीडियो था जिसपे 1.2 लाख व्यूज गए थे, तो सोचा कि चलो एक उसी से रिलेटेड एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए जो काफ़ी कमाल एंड अट्रैक्टिव हो। तो चलो, जैसा कि आपने प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा, तो उस टाइप का वीडियो एडिटिंग आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को ना वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं एंड आपको ले चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, एक हो गया आपका पिक्सलैब एंड एक हो गया आपका एलाइट मोशन। तो सबसे पहले आपको पिक्सलैब को ओपन करना है, देन आपको एक एक बातों को मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आपको समझना है। न्यू टेस्ट को सबसे पहले आपको करना क्या है, डिलीट करना है। देन आपको ऊपर में जो प्लस का आइकन है, आपको प्लस के आइकन पर टैप करके टेस्ट में जाना है, न्यू टेस्ट को होल्ड करके नीचे लाना। जैसे आप नाम लिखना चाहते हो, तो जैसे आपका नाम हुआ रोहित, जरूरी नहीं कि आपका नाम रोहित है, मतलब मैं लिख कर बता दे रहा हूँ, जैसे रोहित नाम हुआ, तो रोहित का पहला जो लेटर हुआ आपका आर हुआ, तो आर को इस तरीके से आपको पहले ही ले लेना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ए वाला आइकन पे आपको टैप करना है एंड फॉन्ट में जाना है। एंड इसमें ना एक आपको एक फाइल मैनेजर से मैंने फॉन्ट डाउनलोड किया, फाइल मैनेजर ने क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड किया एंड फाइल मैनेजर में वो मेरा फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट है स्टॉर्म जस्ट, ये वाला फॉन्ट है, आपको इसे यूज करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड साइज को थोड़ा इंक्रीज आपको इस तरीके से आपको कर देना है, इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसमें आप कलर सिलेक्शन आपको कर लेना है, तो चलो रेड कर लेते हैं। इसमें आप चाहो तो थोड़ा डीप रेड होना चाहिए ना, तो इस तरीके से आपको रेड कर लेना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड ऐसा कीजिए कि चलो इसे ही कॉपी आपको करना है एंड इसमें आपको OHIT रोहित का OHIT आपको लिखना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड क्या होगा, इसमें थोड़ा सा साइज इस तरीके से, मेरा मतलब कि ज़्यादा है, तो थोड़ा सा साइज को इस तरीके से आगे, तो सबसे पहले साइज को थोड़ा सा इस तरीके से डिक्रीज करके ना थोड़ा छोड़ा इस तरीके से आपको देन कर लेना होगा। एंड इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू हो जाता है, इसलिए थोड़ा स्पेसिंग में जाना है। देन आपको 4 से 5 इस तरीके से स्पेसिंग आपको दे देना है इस तरीके से एंड ओके पे आपको क्लिक करना है, काफ़ी इजी है। एंड चाहो तो ऐसा कर दो कि इसे इस तरीके से और भी थोड़ा इंक्रीज आप इस तरीके से कर सकते हो। ये हो चुका एंड इसे आपको क्या करना है, इसे आपको ना वाइट कर देना है, इस तरीके से वाइट करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसमें आपको ना स्ट्रोक लगाने हैं एंड शैडो भी आपको इस तरीके से लगा देना है। देन ओके पे क्लिक करना है एंड आर जो लिखा हुआ है इस पर भी आपको स्ट्रोक लगाने हैं एंड आपको शैडो इनेबल इस तरीके से करना है। चलिए हो चुका है एंड फिर से आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड फ्रॉम गैलरी में जाकर एक आपको मैं PNG दे दूंगा, तो सबसे पहले उस PNG को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ये वाला PNG हो जाएगा, तो नीचे में जो ये वाला थोड़ा सा राउंड सर्कल है, थोड़ा सा राउंड कर्व टाइप का है, इसे आपको क्या करना है, इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए सबसे पहले तो ऐसा करते हैं ना, किस वाले आइकन पे आपको जाना है एंड आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे देखिए इरेजर, आपको इरेजर पे जाना है एंड इसे आपको थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पे देखिए जो साइज का जो आइकन है, थोड़ा सा इसे इस तरीके से इंक्रीज आपको करना है एंड ना आपको इसे इस तरीके से थोड़ा सा इरेज आपको करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसे इस तरीके से ऊपर में आपको इस तरीके से लगा लेना है। चाहो तो आप इस तरीके से रोटेशन देकर भी लगा सकते हो एंड उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसमें आपको क्या करें, आप इसे ना येलो कर दीजिए इस तरीके से। देन आपको ओके पे क्लिक करना है, काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं आपको बता दूँ वैसे वैसे आप वीडियो एडिटिंग करते जाइए। फिर आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड फ्रॉम गैलरी में चला गया मैं, बैक आना पड़ेगा। प्लस के आइकन पर टैप करके टेस्ट में जाना है, न्यू टेस्ट खोल करके नीचे लाना है। यहाँ पे आपको ना एक एटीट्यूड शायरी आपको लिख लेना है, तो मैं एटीट्यूड शायरी लिख लेता हूँ इस तरीके से, आपको शायरी लिख लेना है एंड वो आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसे ऊपर में अच्छे से एडजस्ट आपको करना है। चलो यहाँ पे इस तरीके से रखने हैं। देन आपको इस वाले आइकन पे जाना है एंड इसमें आपको ना फॉन्ट चेंज कर देना है, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट में जाना है, माय फॉन्ट में जाना है एंड नीचे में एक मैं आपको दे दूंगा फॉन्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर पहले चेक करो वहाँ पे। मैं आपको यंत्रा माना ब्लैक, ये जो फॉन्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ऐसे सुबह वाला वीडियो में मैंने इसका लिंक दिया था। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसे साइज का ना थोड़ा बहुत साइज इस तरीके से आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी रन दे सकते हो। देन आपको ना कलर में जाकर ना एक अच्छा सा यहाँ पर कलर आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड स्ट्रोक में जाकर ना
स्ट्रोक में जाकर चलो इसे इस तरीके से स्ट्रोक और शैडो इस तरीके से आपको इनेबल इस तरीके से कर देने हैं। देन आपको प्लस का आइकन पे टैप करना है एंड टेस्ट में जाना है, न्यू टेस्ट को होल्ड करके नीचे लाना है एंड यहाँ पे आपको दो से तीन आपको इमोजी दे देने हैं। तो मैं आपको दे कर बता दे रहा हूँ यहाँ पे ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला तीन इमोजी है एंड आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसमें ना आपको फॉन्ट चेंज करना है, iOS 14 फॉन्ट का यहाँ पे यूज करना है आपको। तो iOS 14 फॉन्ट तो था मेरे पास लेकिन थोड़े ऊपर होगा, हाँ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे iOS 14 फॉन्ट का आपको यूज करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड क्या करना है ना आपको इसमें थोड़ा साइज इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है एंड इसे अच्छे से इधर करना है एंड यहाँ पे आपको शैडो इनेबल करना है एंड आपको यहाँ पे ये वाला शैडो भी आउटर ग्लो भी आपको इनेबल करना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड 3D शैडो इनेबल करके आपको रिफ्लेक्शन भी इनेबल करना है। काफ़ी इजी है इतना मेरे हिसाब से, तो जो मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड फिर से आपको इस पर टैप करना है एंड ऊपर यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट का जो आइकन है आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है वीडियो को, सॉरी PNG को। एंड ऊपर जो एक्सपोर्ट का जो आइकन है आपको एक्सपोर्ट के आइकन पर टैप करके सेम एज इमेज करना है, काफ़ी ईजी है। देन आपको डायमेंशन आपका डाउन एरो पर टैप करके, इसे डाउन एरो कहा जाता है, आपको इस पर टैप करके ना आपको इस अल्ट्रा पर क्लिक करना है, देन आपको सेव टू गैलरी आपको कर लेना है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये हो चुका है। एंड आपको अब आना एलाइट मोशन ऐप में। तो एलाइट मोशन को क्या करना है, सबसे पहले आपको एलाइट मोशन को ओपन करना है एंड एलाइट मोशन ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ को ध्यान देना होगा जो कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। एलाइट मोशन ओपन करने से पहले ना आपको दोनों XML फाइल को, मैं आपको दो XML फाइल यहाँ पे दूंगा, नहीं तो फिर एक ही, अगर मैं आपको वीडियो एडिटिंग करके बता दे रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले किन किन ऐप का यूज आपको करना पड़ेगा, सॉरी ऐप का यूज नहीं XML फाइल का, आपको एक XML फाइल लगे या फिर दो XML फाइल, वीडियो के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अगर दो लगे तो आपको दोनों का लिंक दूंगा, अगर एक लगे तो एक का लिंक दूंगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, आपको प्लस का आइकन देखिए यहाँ पे आके न्यू नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग होगा एक ये वाला एंड एक आपका हो सके ना तो HDR इफेक्ट भी आपका हो सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा करते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर आपको ना क्या करना, प्रोजेक्ट एक खुद से आपको क्रिएट करना है एंड यहाँ पे आपको ना वाइट 9x16 रेजोल्यूशन 1080 फ्रेम रेट 60 FPS बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है। देन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है एंड आपको प्लस के आइकन पर टैप करके मीडिया में जाकर ये वाला आपको जो आपने PNG क्रिएट किया था सबसे पहले आपको इसे लेने हैं। देन आपको थोड़ा सा डिक्रीज करना है साइज को इस तरीके से एंड ये हो चुका है। देन आपको करना क्या, बैक जाना है एंड प्रोजेक्ट में जाकर ना न्यू नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग है इसमें जो आपका लेयर है, आपका लेयर सॉरी क्या कहते हैं टाइमलाइन में, हाँ लेयर तो है ही, टाइमलाइन में जो लेयर है लेयर पे टैप करके आपको इफेक्ट में जाना है। देन आपको यहाँ पे 3 डॉट का जो आइकन है आपको 3 डॉट का आइकन पे टैप करके आपको इजिली कॉपी इफेक्ट कर लेना है। देन आपको बैक जाना है, आपने जो प्रोजेक्ट मतलब क्रिएट किया था उस पर टैप करके ना आपको क्या करना है कि इफेक्ट में जाना है। देन आपको इसे इफेक्ट को आपको पेस्ट करना है एंड इस तरीके से मैं आपको प्ले करके इस तरीके से बता दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए ये हो गया एंड आपको फिर से आपको करना क्या, बैक जाना है, देन आपको HDR इफेक्ट यहाँ पे लगा लेने हैं। तो चलिए HDR इफेक्ट में जाना है, देन आपको इस वाले आइकन पे टैप करके ना थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड होल्ड करके रखना है, इसे भी होल्ड करके रखना है। देन आपको इस पर टैप करके बॉक्स वाले आइकन पे टैप करके आपको कॉपी टू लेयर करना है। देन आपको बैक जाना है, आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे आपको टैप करना है, इस पर टैप करके इसे पेस्ट टू लेयर इस तरीके से कर देना है एंड इसके अकॉर्डिंग HDR के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से कर लेने हैं। तो देखिए मैं आपको प्ले करके इस तरीके से बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा एंड अगर आप चाहो तो मैंने वाइट बैकग्राउंड पे बनाया है, आप चाहो तो ब्लैक बैकग्राउंड पे भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाओगे तो आपको HDR इफेक्ट से कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हो कि ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इजीली इस तरीके से ना क्या कहते हैं आपको ब्लैक बैकग्राउंड लेना है, नहीं तो फिर अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है वाइट बैकग्राउंड तो आप इस पर भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो बनकर रेडी हो गया एंड सॉन्ग के लिए ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है एंड ये वाला वीडियो आपको ले लेना होगा, मैं ये वाला वीडियो वहाँ पे दे दूंगा, ये वाला वीडियो था एंड इस वीडियो को लेना। देखिए ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाया है, तो अगर आपको देखिए ये वाला अच्छा लगता है आप चाहो तो ब्लैक भी बना सकते हो या फिर वाइट, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड पे बनाओगे तो आपको HDR इफेक्ट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, अगर आप वाइट बैकग्राउंड पे बनाओगे तो आपको HDR इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें तो सबसे पहले आपको ऐसा करना है कि जो वीडियो में से आपको ऑडियो को सॉन्ग को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, देन आपको वीडियो को डिलीट करना है एंड इसके हिसाब से सॉन्ग के हिसाब से इसे इस तरीके से सॉन्ग के अकॉर्डिंग ना आपको इस तरीके से
मतलब कि सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा, देन आपको ऊपर में जो एक्सपोर्ट का आइकन है आपको एक्सपोर्ट के आइकन पर टाइप करके वीडियो को आपको एक्सपोर्ट करना है, काफ़ी ईजी है। एंड आई थिंक आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और प्यार जैसा एक कॉमेंट आपको कर देना है। कॉमेंट आप लोग क्यों नहीं करते हो भाई, थोड़ा बहुत मतलब कि आप लोगों को एक लाइक एंड कॉमेंट्स ना मेरा मतलब मोटिवेशन लेवल जो होता है काफ़ी हाई हो जाता है। तो प्लीज़ आप हमें जरूर अपना प्यार हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बरसाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल वाले आइकन आपको प्रेस करना है। एंड चलिए मिलते हैं कल के एक और नई एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।